रमजान ईद सणाच्या पार्श्वभूमीवर मालेगाव शहरामध्ये मुस्लिम बांधवांनी खरेदीसाठी एकच गर्दी केल्याचे चित्र बघावयास मिळाले. यावेळी विविध दुकाने या बाजारपेठेत लावण्यात आली होती. यावेळी कपडे, चप्पल तसेच ड्रायफ्रूट अशा अनेक दुकानांमध्ये खरेदीसाठी गर्दी बघायला मिळाली. मुस्लिम सर्व जाती धर्माच्या बांधवांना हार्दिक शुभेच्छा देतो. येणाऱ्या आगामी काळामध्ये अक्षय तृतीय आहे, रमजान ईद आहे. या सण उत्सवाच्या अनुषंगाने पोलीस प्रशासन संपूर्ण सज्ज आहे. पुरेसा बंदोबस्त सर्व ठिकाणी लावण्यात आलेला आहे. फेसबुक, व्हॉट्सअप, यूट्यूब या माध्यमातून कोणी अफवा पसरवण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याच्यावरती आमच्या सायबर विभागाची नजर आहे. आमचे सर्व सेल अलर्ट आहेत. कृपया अशा गोष्टींमध्ये कोणी जाऊ नये, अन्यथा कठोर गुन्हे दाखल होतील. नागरिकांनी निश्चिंत व्हॉट्सअप, यूट्यूब याच्या माध्यमातून बऱ्याचदा अफवा पसरवण्याचं काम केलं जातं. मी या ठिकाणी सर्व नागरिकांना आवाहन करतो की अशा अफवांवरती भरोसा करू नका. खात्री करा, आपले जे सण उत्सव आहेत हे उत्साहाने आपण साजरे करा. वाईट ज्या घडणाऱ्या गोष्टी असतील त्यांच्याकडे कृपया दुर्लक्ष करा. हे आम्हाला ड्रायफ्रूट का शॉप आहे. ये मालेगाँव में ड्राई फ्रूट और शिरपुरमे के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं. मालेगाँव से जैसे जलगाँव है, चालीसगाँव है, दुलिया है, शिरपुर है, इधर यौला है, मनमाड़ है, चांदवाड़ है, नासिक है. मालेगाँव में लोग स्पेशल ईद के लिए ख़रीदी करने के लिए आते हैं. उसमें ड्राई फ्रूट में शिरपुरमे के लिए ज़्यादा फोकस होता है. जैसे कि हमारे यहाँ शिरपुरमे के सामान में सब पीसा हुआ रेडी आइटम रहता है. जैसे खोपरे का पाउडर है, ये किधर भी नहीं मिलता. बादाम का कतरन है, पिस्ते का कतरन है, काजू का कतरन है, खारिक का कटा हुआ है, ये सब एडिशनल आइटम है. और यहाँ स्पेशल मालेगाँव में जो शिरकुरमा है उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू है. प्लस मालेगाँव में जो है ईद की खरीदी के लिए हमारे यहाँ बहुत अच्छा इंतज़ाम रहता है. गाँव वालों का कोऑपरेट रहता है. गाँव वालों का यानी मिलनसार रहते हैं. हर लोग आते हैं, यानी मुस्लिम, नॉन मुस्लिम. नॉन मुस्लिम को खरीदी नहीं करना रहता, पर यहाँ इम्प्रूवमेंट के लिए आते हैं वो. यानी लोगों की ईद मनाने के लिए उनकी भी खुशी शामिल रहती है खरीदी में. बहुत सारी अच्छी चीज़ें हमारे यहाँ. बॉस ने मीटिंग बुलाई. क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो. बाहर बाहर उठो बैठो, उठो बैठो. जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है. बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर. कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com.